हेलो भैया नमस्कार, मैं हूँ राजेश गुजर। आज हमारे पास गाड़ी आई है महिंद्रा मैक्स सिटी, जो भी नया मॉडल में आ रही है। एक साइड टॉप मॉडल बंद हो चुकी है गाड़ी। रात को स्टार्ट थी लेकिन सुबह स्टार्ट करी, कस्टमर ने तो स्टार्ट नहीं हो पाई, तो इसको टो करके गाड़ी को लेकर आए। तो अब इसके अंदर ये स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर की मदद से इसको भी अंदर देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है। सेलअप भी ले रही है गाड़ी, इसमें जो स्कैनर की पिन है यहाँ लगती है। ये हमारे पास एक्स टूल का स्कैनर है जो ये लगाएंगे। तो अब एक्स टूल से अपन देखेंगे इसके अंदर, तो इसकी मदद से देखेंगे क्या है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। राउंड भी ले रही है गाड़ी लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रही है। BS6 3 वोल्ट आ रहे हैं क्या है। एक तो है वाटर फ्यूल एंड डीजल के अंदर जो पानी है उसकी दिखा रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे हिस्ट्री के अंदर, क्लियर कर दिया। अब इसके बाद इसमें चाबी ऑन ऑफ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके देखेंगे क्या दिक्कत है। अभी स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी, सेल्फ ले रही है, दोबारा सेल्फ लेंगे। वापस इसके अंदर स्टेरिंग में देखेंगे, बार बाहर निकलेंगे। कोई डीटीसी नहीं आ रही। तो अब इसके अंदर चेक करेंगे। अब इसके अंदर वो वाटर लेवल का जो दिखा रहा है सेंसर का, तो वो देखेंगे डीजल फिल्टर पे जाके। तो इसमें क्या है कि मैक्स जो सीटी आती है इसमें डीजल फिल्टर आगे नहीं आता, इसमें डीजल फिल्टर आता है। यहाँ आपको दिखाएंगे, यहाँ चेचिस के यहाँ लगा हुआ रहता है टंकी के पास में। ये डीजल फिल्टर इस जगह लगा हुआ रहता है, ये रहा। तो इसमें सबसे पहले ये जो टी खोलेंगे, टी खोल के इसका वाटर कूलर चेक करेंगे। ये खोलेंगे, खोलने के बाद मालूम पड़ेगा। टी खोलने पे डीजल नहीं आया था, ये जो फिल्टर बॉडी है, फिल्टर बॉडी खोलेंगे पूरी, हटाएंगे इसको। तो सबसे पहले इस फिल्टर बॉडी को हटाएंगे, उससे पहले सेंसर है। ये सेंसर आता है, जो सेंसर हटाते हैं उसके बाद ये दोनों पाइप है, ऊपर 2 बोल्ट लगे हुए हैं, वो बोल्ट खोलेंगे। तो बोल्ट खोल रहा हूँ मैं, फिल्टर बॉडी हटा के दिखा रहा हूँ। ये डीजल फिल्टर खोल दिया बॉडी जो। अब इसका जो डीजल है तगारी बिल्कुल साफ है, इस तगारी के अंदर निकालेंगे बाहर। तो सबसे पहले इसमें निकाल के देखते हैं। तो अब इसका फिल्टर खोल के देखते हैं इतना चौक क्यों हो रहा है। बॉडी है जो फिल्टर खोल रहे हैं, इसका फिल्टर खोलेंगे। फिल्टर खोलने के बाद इसका फिल्टर क्या कंडीशन है वो दिखाएंगे आपको। लूज कर दिया। ये डीजल फिल्टर है जो खोल रहे हैं इसका, तो डीजल फिल्टर खोलने के बाद इसमें क्या दिक्कत आती है। ये फिल्टर चौक आ रहा है इसका खतरनाक, ये कंडीशन है इस फिल्टर की, इसके कारण भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही। तो पहले से वो फिल्टर चेंज करेंगे सबसे पहले।
अभी जो सफाई करके इसको लगाएंगे इसके अंदर। अरे दोस्तों ये डीजल फिल्टर मोडी है जो हम फिट कर रहे हैं, इसको सफाई करके इसकी केप ये डीजल फिल्टर है जो महिंद्रा का न्यू है, महिंद्रा है, महिंद्रा का ओरिजिनल डीजल फिल्टर है। ये 6 करोड़ डीजल फिल्टर होता है ऐसा होता है। ये नया फिल्टर है, ग्रे इसकी रिंग है जो ये थी, इसमें यह लगती है कैप के अंदर इसी तरह। ये रिंग फिट कर दी गई, ये जो डीजल फिल्टर है ये इसके अंदर इसके अंदर ये तो इसको फुल वॉइस पे लेके फुल टाइट करना पड़ता है, हम इसको वॉइस पे लेके टाइट कर देंगे। फिल्टर भी चेंज करके ले आया, लेकिन इससे पहले एक बार मोटर का प्रेशर चेक करेंगे इस घड़ी की मदद से। ये मेन पाइप के अंदर मुंह लगा दिया इसका, बाकी ये घड़ी इधर लगा रखी है, तब घड़ी में चेक करेंगे। चाबी ऑन ऑफ करिए भाई, ठीक है। अब चाबी ऑन कराएंगे, चाबी ऑन करने के बाद इसका जो प्रेशर है वो चेक होगा, मोटर सही है गलत है। मोटर ओके है, मोटर का प्रेशर बराबर है, क्योंकि मोटर का प्रेशर लमसम यही रहता है, 200 के आसपास रहता है तो मोटर ख़राब रहती है। भाई ऑफ कर दे चाबी, ये ऑफ कर दी गई है, प्रेशर बिल्कुल बंद हो गया। अब फिल्टर बॉडी लगाएं, फिर स्टार्ट करके चेक करेंगे। ये फिल्टर बॉडी फिट कर दी, अब उसके बाद गाड़ी की चाबी ऑन ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे। फिर भी अगर नहीं होगी तो फिर आगे और क्या चेक करना वो भी हम आपको दिखाएंगे। गाड़ी के अंदर ही पहले चाबी ऑन करी, चाबी ऑन रहेगी कुछ सेकंड के लिए, वापस ऑफ करेंगे, वापस ऑन करेंगे, अब स्टार्ट करके देखेंगे। अभी भी नहीं हो रही है, अभी इसकी डीटीसी चेक करेंगे वापस। सबसे पहले इसमें बाहर जाएंगे एक करके, ये फ्यूल फिल्टर की आ रही है अभी भी, तो फ्यूल फिल्टर हिस्ट्री में इसको क्लियर कर देते हैं। अब वापस चाबी ऑन ऑफ करेंगे, सेलअप लगाएंगे, अभी भी नहीं हो रही है, कोई डीटीसी नहीं आ रही। जो रिटर्न पाइप है नोजल की, एक बार नोजल का रिटर्न भी चेक करेंगे, क्या पता नोजल भी बोला हुआ, तो फिल्टर चौक था ना, तो सबसे पहले ये लॉक हटा के फिर इसके बाद ये पाइप बाहर निकालेंगे इसकी, तो चारों इसी तरह चारों लॉक निकाल लेंगे, चारों पाइप बाहर निकालेंगे। ये इसकी पाइप हटा दी गई है, सारी रिटर्न पाइप हटा दी, उसके बाद अब इसका जो रिटर्न है वो चेक करेंगे, सेलअप लगा के चेक करने बाद मालूम पड़ेगा। अब इसका सेलअप, इस पर सेलअप लगाएंगे, सेलअप लगा के इसका जो रिटर्न है वो चेक करेंगे। अब लगा रहे हैं इसका सेलअप, चारों नोजल के अंदर रिटर्न नहीं आ पा रहा है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, नोजल भी इसके ओके है, रहने दे। तो इसके जो नोजल भी है वो भी ओके, तो एक बार इसकी एयर काट के फिर स्टार्ट करके देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एयर काटने से अगर स्टार्ट हो जाएगी तो भी आपको बताऊँगा, नहीं भी होगी तो भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ये इसकी पाइप हटा दी गई है, सारी रिटर्न पाइप हटा दी, उसके बाद अब इसका जो रिटर्न है
वो चेक करेंगे सेल्फ लगा के, चेक करने के बाद मालूम पड़ेगा। अब इसका सेल्फ, इस पर सेल्फ लगाएंगे, सेल्फ लगा के इसका जो रिटर्न है वो चेक करेंगे। अब लगा रहे हैं इसका सेल्फ, चारों नोजल के अंदर रिटर्न नहीं आ पा रहा है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, नोजल भी इसके ओके है। रेंड दे, तो इसके जो नोजल भी है वो भी ओके है, तो एक बार इसकी एयर काट के फिर स्टार्ट करके देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एयर काटने से अगर स्टार्ट हो जाएगी तो भी आपको बताऊँगा, नहीं भी होगी तो भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसके अंदर जो कोड आ रहा है ये आ रहा है P0AP A0P, तो ये जो है इसका ये भी चेक करेंगे एक बार। हाई प्रेशर पंप की पाइप खोल के चेक करते हैं उसमें डीजल आएगा नहीं आएगा। खोली थी हमने मेन जो पाइप आ रही है, दिख रही है आपको, हाथ से हिल रही है, तो इसमें डीजल का प्रेशर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब हम सोच रहे हैं इसका जो मैकेनिक कनूट सेंसर है ये कंप्लीट चेंज करके देख लेते हैं एक बार। तो अब ये लगा के देख रहे हैं एक बार, कोड आ रहा है जो भाई डीजल का प्रेशर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले ये भी चेंज करके देखते हैं। ये लगता कहाँ, ये भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो सेंसर है ये इस जगह लगता है, इसको खोल के अब चेंज। तीन बोल्ट लगते हैं स्टार एलंकी वाले, ये तीनों बोल्ट खोले, ये गियर है, अरे ये किधर और लगता है, ये तीन बोल्ट खोल दिए, इसका जो सेंसर है इसको खोल रहे हैं, ये सेंसर को भी बाहर निकाल दिए। ये दिख रहा है आपको जो मैकेनिक कनूट सेंसर बोलते हैं इसको। अब इसमें सेंसर ये वाला जो खोल के ये लगाएंगे, इसमें सेंसर आप देख रहे हो, इसको फिट कर रहा हूँ। इसके अंदर जो बोल्ट है वो तीनों बोल्ट कस देंगे इसके अंदर, ये फिट कर दिया दोस्तों। ये कम जो फिट कर रहा हूँ ये ओनली टेस्टिंग के लिए है हमारे पास, तो टेस्टिंग करने के लिए रखते हैं ये चीज़। तो इसमें क्या है कि हाल फिलहाल अभी दो ही बोर्ड लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों बोल्ट टाइट कर दिए। उसके बाद जो इसका जो कपलर है ये कपलर भी लगा दिए। अब इसको चाबी ऑन ऑफ करेंगे दो तीन बार, फिर स्टार्ट करके देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी चाबी ऑन करेंगे, ये ऑन कर दी। अब इसके बाद इसका जो कोड है वो क्लियर करेंगे करके, ये भी क्लियर कर दिया। अब इसका सेल्फ लगाएंगे, अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो अब क्या है वो भी देखेंगे। इसके एक बार वापस चाबी ऑन करेंगे, क्लियर हो सकती है, लेकिन अब स्टार्ट करके देखते हैं। वायर हिल, ये जो गाड़ी है स्टार्ट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर जो मैकेनिक कनूट सेंसर का कोड था वो फॉल्ट था, वो चेंज करने के बाद गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये महिंद्रा BS6 पिकअप है जिसको अब स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, ठीक है, जय राम जी की। आपको गाड़ी भी स्टार्ट, इंजन दिखाया आपको बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास।